हेलो दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। इसी बीच उनकी एक और फिल्म का बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, सनी देओल अपनी एक और मच अवेटेड फिल्म लाहौर 1947 जल्दी लेकर आ रहे हैं। खबरों की माने तो लाहौर 1947 राजकुमार संतोषी द्वारा डायरेक्ट की जाएगी। अंदाज अपना अपना, घायल, घातक और दामनी जैसी क्लासिक और सुपरहिट फिल्में देने वाले राजकुमार संतोषी ने हाल ही में सनी देओल के साथ एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की शूटिंग अगले साल से स्टार्ट की जाएगी। बता दें कि ये फिल्म 1947 में हुए भारत पाकिस्तान के बंटवारे के ऊपर होने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में सनी देओल मेन लीड में नजर आने वाले हैं। राजकुमार संतोषी ने सनी देओल के साथ लास्ट फिल्म घातक की थी, जो कि 1995 में रिलीज की गई थी और फिल्म दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। राजकुमार संतोषी सनी देओल के साथ लगभग 30 साल बाद एक बार फिर से काम करते नजर आएंगे। साथ ही राजकुमार संतोषी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि लाहौर 1947 उनकी फिल्म घायल, घातक और दामिनी से भी काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है। खबरों की माने तो फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है और इस फिल्म की शूटिंग जल्दी स्टार्ट की जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार संतोषी मुंबई में लाहौर सिटी का सेट तैयार कर रहे हैं और लाहौर 1947 का बड़ा हिस्सा इसी सेट पर शूट किया जाएगा। रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त के मौके पर रिलीज की जाएगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोट से एक युद्ध हाल ही में रिलीज की गई थी और ये फिल्म दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। साथ ही राजकुमार संतोषी लाहौर 1947 के अलावा अंदाज अपना अपना का सीक्वल भी जल्दी लाने वाले हैं। फैंस को इस फिल्म के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या इस फिल्म से सनी देओल अपने फैंस को इस फिल्म से इम्प्रेस कर पाते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें।